आखिरकार समाजवादी पार्टी ने नागेंद्र प्रताप पटेल को फूलपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लंबी जहदोजहद और फूलपुर चुनाव की बागडोर संभाल रहे चुनाव प्रभारियों के प्रस्ताव पर आखिरकार नागेंद्र सिंह का नाम सबसे ऊपर नजर आया। नागेंद्र पटेल का राजनीतिक सफर लंबा नहीं है। उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। बैकवर्ड वोटरों पर जबरदस्त पकड़ बताई जा रही है नागेंद्र की। बैकवर्ड वोटों को बटोरने के लिए सपा ने बैकवर्ड कैंडिडेट ही घोषित किया है। रविवार की देर शाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंजूरी पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने नागेंद्र सिंह पटेल को फूलपुर लोकसभा के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही सपा में चल रही अटकलें भी खत्म हो गई, साथ ही वन इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर पर भी मोहर लग गई। दरअसल वन इंडिया ने पहले ही ये खबर चलाई थी कि ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में आने पर सपा बैकवर्ड प्रत्याशी पर दाव खेलेगी, साथ ही नागेंद्र सिंह पटेल को यहां से टिकट मिलेगा। उसी खबर पर आज मुहर लगी है और सपा के नागेंद्र को प्रत्याशी बना दिया गया है। वन इंडिया हिंदी की खास रिपोर्ट।